तो आ गए भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। सबसे बढ़िया मशीन एयर मास्टर वो वाली, और वो ड्यूल है ना, वो तो चेस्ट वो करके भी दिखा दी। बहुत सुबह हूँ एसी फिटनेस। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताऊँ, पश्चिम बिहार ये री जी, ये है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन गुल। कुल्फी नहीं खाते भाई ठंडे के अंदर, कुल्फी नहीं खाते। What's up? Welcome back to my channel. तो कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे, fit and fine. So guys, स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग के अंदर। तो अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर भी मैं जा रहा हूँ पश्चिम विहार। जो अंकुश भाई है उन्होंने अपना न्यू जिम खोला है ऑल गर्ल फिटनेस के नाम से, एजी फिटनेस के नाम से, पश्चिम विहार के अंदर। तो आज उसकी ओपनिंग है, तो अभी मैं वहां पर ही जा रहा हूँ और चलकर देखते हैं गाइस कैसा जिम बनाया अंकुश भाई ने, कैसा बढ़िया है, क्या फीस है, क्या है, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं पश्चिम विहार। तो गाइस मैंने ना स्वेट शर्ट चेंज कर लिया है, मेरे को वो ठीक नहीं लग रही थी जीन्स के हिसाब से, तो मैंने ये वाली स्वेट शर्ट पहन लिया है। तो बताओ ये वाली ठीक लग रही थी या वो वाली ठीक लग रही थी? तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ एजी फिटनेस, ये रहा लाशीन के ऊपर। तो एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताऊँ, ये है पश्चिम विहार रोड, मतलब ज्वाला रेड्डी वाली रोड है, सामने बिल्कुल जा रहा है रेडिसन होटल वाली रोड है ना, बिल्कुल जो टक्कर पे जा रहा है। और बाकी अंकुश भाई मिलेंगे, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन दिलवाऊंगा आप लोगों को। इधर पास में ग्रोवर मिठाई वाला है बहुत फेमस, और यहाँ से एंट्री है। ये रहा एजी फिटनेस, वेट ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, कार्डियो, योगा, जुम्बा, भांगड़ा, बॉलीवुड, कस्टमाइज डाइट, वेट गेन, वेट लॉस, सब कुछ होगा। तो ये देखो गाइस यहाँ से एंट्री होती है। अभी मतलब प्रिपरेशन हो रही है ओपनिंग की, मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पर। भाई ने बोला कि तू पहले आ जा, वो उसको रेडी वेडी होने जाना है। और सबसे पहले लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक कैबिन है, कैबिन खोलता हूँ। ये देखिए ये कैबिन बना हुआ है पूरा, और इधर सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं जो सब यूज़ होंगे एक्टिविटीज़ करने के लिए। और ये इधर वॉशरूम है, इधर मिरर, पोजिंग मिरर बना रखा है अंकुश भाई ने बहुत ही मस्त थीम के साथ। और आगे चलते हैं, आगे चल के आता है अपना ये वेट ट्रेनिंग एरिया है। ये अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है अभी ओपनिंग की सारा, और इधर डंबल्स है, और ये कार्डियो सेशन भी ये पूरा है। इधर जुम्बा क्लासेस होगी, डांस क्लासेस, बॉलीवुड क्लासेस होगी। और ये रे सारे डंबल्स पड़े यहाँ, 2.5 से लेके 25 किलो के डंबल्स है, क्योंकि ये गर्ल्स का जिम है इसलिए, वरना बॉयज के जिम में तो आपको 40 किलो के 45 किलो के डंबल भी मिल जाते होंगे। ये केबल क्रॉस है, केबल क्रॉस सेशन, ये लंबे वाला लिया है, फिट लाइन की मशीन से गाइस ये। और अपना ये है, ये लेग प्रेस है, और इधर बेंच प्रेस कर सकते हैं हम, वो वाला बेंच इधर लगाकर अगर हम इंक्लाइन 20 डिग्री सब कुछ कर सकते हैं। और ये लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन दोनों है, दोनों कर सकते हैं। और ये बड़ी यूनिक मशीन, यूनिक नहीं मतलब बहुत रेयर जिम में दिखती है मेरे को ये वाली, ये है चेस्ट प्रेस, और इसी में बैक का वर्कआउट भी होएगा, लेट पुल डाउन भी है ये बैक के वर्कआउट के लिए। बहुत ही मस्त मशीन, मेरे को तो सबसे बढ़िया मशीन ये लगी। और ये अपना आ गया एब्स बेंच है ये गाइस अपना, और यहाँ पे ये लेडर है कार्डियो के लिए, ट्रेडमिल है एंड साइकिलिंग बोरी, और ये ग्रास सेशन है पूरा, और ये टायर है, मतलब पूरा मज़ा आ जाएगा गाइस यहाँ पे। जितने भी गर्ल्स है ना, जितनी भी लेडीज है, गर्ल्स है, उन लोगों को मजा आ जाएगा यहाँ पे वर्कआउट करने के अंदर। और जब क्लासेस वगैरह होगी तो और भी ज्यादा मजा आएगा गाइस। अभी बाकी अंकुश भाई जब आएंगे मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगा, वो रेडी होने गए हैं। और बाहर देखो ये एल शेप में है, इधर भी ओपन है उधर भी ओपन है, ठीक है। पार्किंग एरिया भी है लेफ्ट साइड के अंदर, और ये मेन रोड है, और साइड में ही ग्रोवर फेमस मिठाई वाला है, उससे दो बिल्डिंग आगे एजी फिटनेस है। तो गाइस बहुत ही मस्त इंटीरियर है, मेरे को तो बहुत मस्त लगा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आप लोगों को ये इंटीरियर। अभी जब पूरी ओपनिंग होगी, जब लोग आने स्टार्ट होंगे, क्लाइंट्स आएंगे, तब मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊंगा, ठीक है। चलो इतने गाइस, इतने वो लोग आ रहे हैं ना, उतने में ये वाली मशीन ट्राई करके देखता हूँ। बढ़िया यार, अपर चेस्ट के लिए बहुत मस्त है गाइस ये मशीन, अपर चेस्ट बहुत जबरदस्त बन जाएगी इससे। फटाफट जल्दी से जल्द गाइस यहाँ पे वर्कआउट करने आएंगे, और यहाँ की वर्कआउट वीडियो बनाएंगे मस्त से। और इसी मशीन पे गाइस देखो मैं बैक की लेट पुल डाउन करके दिखाता हूँ, बेटा वीडियो बनाएंगे।
हैंडल आप भी कर सकते हैं हम इस वन टू इस वाले एंड से भी वन टू पूरा लेफ्ट पे आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है ये देखो बहुत हैंड से तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इंतज़ार नहीं हो रहा और जल्द से जल्द यहाँ पे वर्कआउट करेंगे, दो तीन दिन के अंदर ही ब्लॉग बना दूंगा यहाँ के वर्कआउट का। मस्त है भाई, सबसे बढ़िया मशीन मेरे को यही लगी है, सबसे बढ़िया मज़ेदार। तो आ गए भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। कैसा लगा भाई वो बताना जिम? अरे मैंने करवा दिया टूर, पूरा टूर करवा दिया, बहुत अमेजिंग, सबसे बढ़िया मशीन फेयर मास्टर वो वाली, और वो ड्यूल है ना वो तो चेस्ट, वो करके भी दिखा दी करके भी दिखा दी भाई मैंने, टायर वायर सिस्टम इसकम ओके, अगर कुछ गलत लग रहा हो तो बता देना भाई कमेंट करके। गाइस मैंने बोल दिया वैसे तो, बाकी कर देना कुछ अगर और बेटर करना हो तो जिम के अंदर, वाइड एंगल में तो और भी मस्त लग। मैंने सारा दिखा दिया, कैबिन वेबिन सब कुछ दिखा दिया मैंने भाई आपके आने से पहले, ट्राई रूम वगैरह सब। ट्राई रूम नहीं दिखाया, ये ट्राई रूम है, उसके आगे वॉशरूम है। अच्छा अच्छा, ये ट्राई रूम है, उसके आगे वॉशरूम है और ये राइट साइड, और ये री जी, ये है ये है जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस गुल, बहुत मस्त जिम खोल दिया आप लोगों ने, बहुत ही अमेजिंग, अच्छा लग रहा है ना, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत डिस्प्ले सही है, बिल्कुल ओके, सब कुछ ओके है बिल्कुल। कुछ लग रहा है तो बताओ भाइयों, कमेंट कर देना और कुछ इंक्लूड कर, बाकी लोकेशन बता दो आप। लोकेशन पश्चिम विहार में ग्रोवर मिठाई वाला है, उसके दो बिल्डिंग बाद ही एल शेप की न्यू बिल्डिंग बनी हुई है, अलग ही आपको हेडलाइट हो जाएगी, रात को 11 बजे आओगे सारी लाइटें चली रहती है। ओ और इस साइड से अगर कोई आए, इस साइड से आओगे तो ग्रोवर के बाद ही है ना, अगर वहां से बंदा आता है पंजाबी बाग से लेफ्ट लेके, ओके मॉल से लेफ्ट लेके बिल्कुल नियर बाय पड़ेगा, 1 किलोमीटर पंजाबी बाग से दूर है और यहाँ से तो पास ही है सारा। बहुत बढ़िया भाई, तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ शादी के अंदर, जो कि वहाँ जाना जरूरी था, वहाँ सगन देना था गाइस, सगन देके जल्दी से आ जाएंगे, और पास में जाना मुरथल जाना यार, इसलिए गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं यहाँ पर, और थकावट बहुत हो गई यार वहाँ पर। ब्लॉग मैंने कम किया है क्योंकि वहाँ पर क्लाइंट्स ज़्यादा मिलजुल रहे थे ना, मिल रहे थे सब लोग वहाँ पर, तो इसलिए ब्लॉगिंग मैंने कम करी है, और वहाँ पर म्यूज़िक भी बजा था और बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से मैंने इसलिए ज्यादा व्लॉग भी नहीं किया। बाकी जिम बताओगा इस कमेंट में कैसा था, और हातिम भाई बताओगा ये कैसा है हमारा, क्या चीज स्मार्ट लग रहा है नहीं लग रहा, हातिम भाई का रिश्ता कर रहे हैं अब हम, अच्छा अब रोका रोका ही करेंगे हातिम भाई की आए रिश्ता हो तो गाइस कमेंट करके बताओ। बलिनो हो जाओ नहीं यार वो लग नहीं दियो, तुम खा रहे भाई यहाँ पे आते कुल्फी, इसको और कुछ दिखा नहीं यहाँ पर, कुल्फी नहीं खाते भाई ठंडे के अंदर, कुल्फी नहीं खाते, गलत बात होती है इतनी ठंड में कुल्फी खाना, गर्म चीज खाया करो जो आप खा रहे हैं, टेस्ट करके देख रहा हूँ ताकि तेरे लिए ठीक है नहीं है चलो गाइस अब खाना पीना खा लिया, फटाफट से चलते हैं घर पे। हाँ बड़ा टाइम से लिया भाई, पूरा फोग ही फोग हो गया गाइस, देखो बारात अब आ रही है, वो अब जा रही है गाइस बारात, और अब हम जा रहे हैं अपने घर। ओए ओए तो गाइस आ गए हूँ घर पे वापस, यही था गाइस आज का व्लॉग, ओपनिंग दिखाई आप लोगों को जिम की, तो आप कमेंट करके बताओ कि जिम आप लोगों को कैसा लगा गाइस। बाकी जिम चलेंगे थोड़े दिन के अंदर, वर्कआउट वगैरह करेंगे, और जिम की इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। ये सिर्फ ओनली लेडीज का, ओनली गर्ल्स जिम पश्चिम विहार के अंदर। तो होप करता हूँ गाइस आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।